चिल्लाना सीख लिया है, इस बहाने से आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं। लीजिए सुनिए। भोले का मंदिर, इधर में भोले शंकर एक साधु यानी भिखारी का वेश बना करके माँ यशोदा के दरवाजे पर जाकर के अलख जगाते हैं, कहते हैं मैया जरा तू अपने लाला के मुझे दर्शन करा दे। क्या कहते हैं भैया? भैया कह रहे हैं भैया रामीर, हाय मैं ना दर्शन मैं न दर्शन कराऊं बबजिया है, मैं न लाला दिखाऊं बबजिया है, न दर्शन कराऊं सुबह लाए।
मोती सिंह जी निवासी बरौनी पहलवान जी जो वैद्य है 101 रुपए इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद। और श्रीमान रोहतक खोदाली निवासी भारा 50 रुपए इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे तो लगता है आप भी कहीं पितामह भीष्म की तरह अंदर से पांडवों को प्रेम तो नहीं करते हैं। और ये 101 रुपए श्रीमान प्रीतम सिंह शेष में निवासी द्वारा 101 रुपए इनाम में फरमाते हैं, बार बार धन्यवाद। ये शब्द जब द्रोणाचार्य सुनते हैं गुस्से में आ जाते हैं, दुर्योधन तू बिल्कुल गलत है, गलत ही करते जा रहा है। लेकिन सुन करके युद्ध में ये संसप्तक अर्जुन को ले जाए, ये संसप्तक अर्जुन को ले जाए और बात किसी से फूटे ना, और मैं ऐसा व्यूह रचाऊंगा जो बिन पार्थ के टूटे ना। सो दानव देव लड़े पंडित संग और तऊ परेणा पारे और राजा मत हिम्मते, तू क्यों घबराता है, सुन भैया क्या कहा। और पांडवों के पास में खत जाता है, क्या हुआ
पे भाई जोगेंद्र सिंह महाशय निवासी खाजपुर इनाम देते हैं। हमारे बार धन्यवाद सरदारों। देखिए समय का अभाव है, हमारे एलाउंसर और कमेटी की तमन्ना है जो पहले गाने गाते थे हम, यानी पार्वती भोले शंकर से जवाब दे रहे हैं। ये सारी सुरख रमाई के और तुम जाकू दे छपवाए और पिया पसीना पोंछ बे मुकू दे रुमाल बगाए। भैया रामबीर कह रही है, कैसे कह रही है पार्वती? ये भोले और माना वचन हमारा और रूमाल मगा दो
एक से एक रुपए श्रीमान कंता सिंह लीलर साहब निवासी बड़े सर इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद। ये इस रूमाल को रखने हारी तू प्रीतम की प्यारी हो, वेद मंत्र उपनिषद पढ़े और काकी जपने वाली हो, बहुत कुबेरों से वंचित नित। और 50 रुपए राजू मास्टर साहब निवासी धवारा इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद। और 51 रुपए सीमांत रे डॉक्टर जी हमारे लिए और 10-10 झीका वालों के लिए इनाम का फरमाते हैं। गौर करने वाली बात है सरदार, धन्यवाद। वेद मंत्र उपनिषद, वेद मंत्र उपनिषद पढ़े और काती जपने वाली हो, भूत कुबेदों से वंचित नित, संध्या करने वाली हो, राम कृष्ण से सुत जन में, राम कृष्ण से सुत जन में, भारत की दूरी बीमारी हो। सरदारों अगली लाइन आपको वास्तव में आपके दिल को छू जाए तो पैसे से नहीं, आप मेरा सम्मान बढ़ाएंगे तालियों के द्वारा। हाय राम कृष्ण से सुत जन में, भारत की दूरी बीमारी हो, धर्म ध्वजा फहराए देश में, घर घर ऐसी नारी हो, घर घर ऐसी नारी हो, घर घर ऐसी नारी हो है। और क्या जब ते भूल गयो अब मोए होश भयो, मेरी राम